लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना है। क्लास 12 फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। अगर एक लंबा आपके पास में धारावाही चालक तार है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक तार आप बना लीजिएगा इस तरीके से, ये लाल रेखा दिखाई दे रही है, इसको आप एक लंबा धारावाही चालक तार बना दीजिएगा और इसको नाम दे दीजिएगा MN, और इसमें धारा को M से N की ओर प्रवाहित कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका लंबा धारावाही चालक तार। ठीक है, अब इसके कारण जो आपको तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर तीव्रता निकालनी है, ये पॉइंट हो गया आपका P। अब इस लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो या तो तार के इस साइड निकालें या तार के इस साइड निकालें। तो हमने इस साइड ले लिया है, तार के इस तरफ ये पॉइंट P ले लिया है, जिस पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पूरे तार के कारण। ठीक है, अब क्या होगा कि एक पॉइंट हमने P ले लिया, और P को किस ढंग से सिलेक्ट किया है कि जो P है वो इस तार के एक पॉइंट O से D दूरी पर है, मतलब ये बिल्कुल लंबवत दूरी होगी। तो P से आप इस तार पर एक लंब डाल दीजिएगा, है ना, एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा, और इस लंब का पाथ जो है, मतलब यहाँ इस तार के ऊपर ये बिंदु हो जाएगा O, और ये OP की दूरी हो जाएगी D। ठीक है, और आपको P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा लंबा धारावाही चालक तार, तो हमने कहा ठीक है ये लंबा तार है, है ना, मतलब इस ये पूरा एक लंबा तार हो गया, इसका एक हिस्सा यहाँ MN दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हो गया धारावाही चालक तार, लंबा धारावाही चालक तार। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो एक पॉइंट ले लिया हमने तार के एक तरफ P, और इसकी ये तार पर इससे एक लंब डाल दिया, तार पर इससे एक लंब डाला, और इसकी दूरी जो है वो है D, तो इसकी पोजिशन भी पता चल गई कि कहाँ पर है, है ना, तो यहाँ से एक लंबवत दूरी इसकी हो गई D, OP बराबर D दूरी पर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इस P पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने जो बात पढ़ी है वो ये है कि जब भी हमको किसी तार के कारण या लूप के कारण तीव्रता निकालनी होती है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं, उसके सेगमेंट बना लेते हैं, और उस सेगमेंट के कारण जो तीव्रता होती है वो हमें पता है, बायो सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं। तो हम भी यहाँ यही कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से L दूरी पर इस तार के ऊपर एक ये छोटा अवयव जो है, हमने एक अल्पांश हमने सिलेक्ट कर लिया है DL लंबाई का। ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या है, तो O से उसकी जो दूरी है इस तार पर वो है L, और जो पॉइंट P है उस P से इसकी दूरी है R। ठीक है ना, कितनी है, R है। तो चलिए अभी तक अब हमने क्या किया कि बिंदु O से L दूरी पर हमने एक अल्पांश सिलेक्ट किया है, एक अवयव ले लिया है, कौन अवयव का नाम क्या है, DL है, और P से DL को जोड़ने वाला जो सदिश है वो वेक्टर R है, मतलब यूं कहेंगे P और अल्पांश के बीच की दूरी जो है वो है R, और जो वेक्टर DL और वेक्टर R के बीच का कोण है वो है थीटा, तो यहाँ हमने इसको थीटा लिख दिया है। इतना सब हमने जो किया है वो क्यों किया है, देखिए आप, आपको पता होगा कि जो बायो सेवर्ट का नियम होता है उसमें एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर आप तीव्रता निकालते हैं, तो ये अल्पांश हो गया आपका DL, बिंदु हो गया P, और दोनों के बीच की दूरी हो गई R, और ये देखिए अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का कोण, यहाँ ये हो गया थीटा। तो ये बायो सेवर्ट के, देखिए अगर केवल हम इतना इतना चित्र देखें तो ये बायो सेवर्ट के नियम से संबंधित हमारा चित्र पूरा हो जाता है, इतना इतना चित्र। तो यहाँ पर अब बायो सेवर्ट के नियम से अगर इस अल्पांश के कारण P पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछे, तो हम बहुत आसानी से हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसी से हमको शुरुआत करना है।
अल्पांश के कारण तीव्रता की तीव्रता से ही हमको शुरुआत करना है। तो ये हमें रेडीमेड लिख देना है, डायरेक्ट लिख देना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान फोर पाई आईडीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए ये कहाँ से आया था, ये बायो सेवर्ट का नियम है और बायो सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप है कि जो अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जैसे डीएल के कारण पी पर जो तीव्रता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, ये धारा आई, वो अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, ये डीएल, ठीक है। और अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का जो कोण है थीटा, उसकी साइन के अनुक्रमानुपाती है, तो ये साइन थीटा। और अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये आर स्क्वायर ये अपान में आ गया। तो ये डी बी जो हुआ ये आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो म्यू जीरो अपान फोर पाई लगाते हैं। तो ये आपके बायो सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप बनता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ इसको हमें रेडीमेड यूज करना है। और ये इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकल गई, इसीलिए हमने यहाँ आर जानबूझ कर लिया है, यहाँ नहीं लिया, यहाँ लिया, क्योंकि हमें पता था कि अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी आर रखने से ये होगा कि हमें बायो सेवर्ट के नियम का एज इट इज़ ऐसा का ऐसा गणितीय रूप ले पाएंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ जो म्यू जीरो है इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो चलिए ये अब आपका इस अल्पांश के कारण पी पर तीव्रता हो गई, और ये जो इसका इस बिंदु पी पर जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अंदर की ओर क्यों होगा, क्योंकि जो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम है वो ये कहता है कि मान लीजिए इस तरीके से धारा अगर आपकी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और उंगलियां इस तरीके से अगर मुड़ती है तो यहाँ जो पॉइंट होगा उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कागज के तल के लंबवत कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। तो फिर यहाँ P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इस तरीके से अंदर की ओर होगी। तीव्रता जब अंदर की ओर होती है तो हम उसको क्रॉस के द्वारा एक गोले में क्रॉस लगाकर बताते हैं, और बाहर की ओर होती है तो गोले में डॉट लगाकर बताते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से P पर इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत किधर है, अंदर की ओर है, तो ये अंदर की ओर इसकी दिशा होगी। अब एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण निकल गया। अब पूरे चालक के कारण निकालना है, तो एक बात तो ये समझ लें हम कि इस पूरे चालक के चाहे कितने भी सेगमेंट आप बना लें, कितने भी अवयव आप ले लें, कितने भी अल्पांश ले लें, सब पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी वो इधर ही होगी, किधर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि इस बिंदु पी पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं सारे अल्पांशों के कारण जो तीव्रता होगी या सारे अवयवों के कारण जो तीव्रता होगी उसका योग होगी। तो ऐसे में वो समाकलन के द्वारा एक निश्चित लिमिट में आप उचित लिमिट लेकर जब उसका समाकलन करेंगे तो उससे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये इसका पूरा प्लान है कि इसको निकाले कैसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने काम किया वो ये है कि इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारा बायो सेवर्ट के नियम से एज इट इज हमने लिख लिया है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अभी मैंने कहा था कि सारे अवयवों के कारण मतलब पूरे चालक के कारण जब आपको पी पर तीव्रता निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उचित लिमिट के अंदर इसका समाकलन करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, आपको क्या करना है कि ये डीएल और आर के मान आप पहले यहाँ रख लीजिएगा, मतलब डीएल की वैल्यू भी पुट करना है, आर की वैल्यू भी, ये याद रखिएगा आप। डीएल और आर के मान जब आप पुट कर पाएं उसके बाद जो डीबी का मान आएगा डीएल और आर के मान रखने के बाद उसका फिर आप समाकलन कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं, पहले हम डीएल का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए डीएल कहाँ था, ये डीए डीएल, ये डीएल का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिएगा, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ओ पी ए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ पी ए में, और ये आपका ओ पी ए जब बन जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है बाहर की तरफ तो ये अंदर की तरफ का जो एंगल है हो जाएगा पाई माइनस थीटा, होगा कि नहीं, क्यों, ये 180 डिग्री की लाइन है, तो ये वाली लाइन
कि इधर अगर एंगल थीटा है तो इधर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ऐसे में अब आपको निकालना है डीएल, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डीएल की। तो देखिए हम वैल्यू निकालना जाएंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, मैं निकालता हूँ कॉट थीटा, तो कॉट यहाँ तो थीटा तो नहीं है, पाई माइनस थीटा है, तो मैं कॉट पाई माइनस थीटा निकालूंगा, और कॉट पाई माइनस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटे लंब, आधार बेस और लंब परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस ओ पी ए में देखिए कोण यहाँ है पाई माइनस थीटा, तो इस कोण पाई माइनस थीटा की ये वाली जो लाइन हो गई है तो बेस हो जाएगी ओ ए वाली, ये बेस हो गया। मैं तीनों ही बता देता हूँ, चलिए इसमें ये आधार हो गया, ये लंब हो गया ओ पी जो कि डी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो गया, और ये ए पी जो है जो कि आर है, यह हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब यहां लिखा है आधार बटे लंब, तो आधार कौन आएगा और लंब कौन आएगा, देखिए आप ये लंब है या ये लंब है, देखिए मैंने जो बताया था कि कोण यहां है, तो ये आधार है ये लंब है, तो आधार क्या हुआ एल, लंब हुआ डी, तो ये हो गया आधार बटे लंब एल अपान डी, करेक्ट एल अपान डी, ये हो गया कॉट पाई माइनस थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाट थीटा जो है क्वाट की वैल्यू माइनस में होगी, तो माइनस क्वाट थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एल अपान डी, और अगर यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी क्वाट थीटा। अब हमें एल की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो डी एल की वैल्यू चाहिए, तो चलिए अवकलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये डी एल हुआ, ये माइनस डी, क्वाट थीटा का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों माइनस इकट्ठे हो गए, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर टू। और ये देखिए आपका डी एल का मान आ गया, ये डी एल वाला, और डी एल के इस मान को निकालने के लिए क्या किया आपने, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में कॉट पाई माइनस थीटा से शुरुआत कीजिएगा और बाद में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। चलिए अब अभी समकोण त्रिभुज ओ पी ए को भूलिएगा मत, अभी आर की वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे हम, क्योंकि आर भी इसी में है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक पाई माइनस थीटा, देखिए यहाँ से पाई माइनस थीटा, तो होगा कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ये देखिए कर्ण है आर, इस ट्राइंगल में देखिए ओ पी ए में देखिए आर कर्ण है और लंब कौन है डी, ठीक है ना। देखिए ये लंब को हमने डी लिया है, ये यहाँ देखिए लंब को डी लेंगे, तो ये लंब डी है, क्योंकि आर अपान डी, देखिए आप आर अपान डी। और अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्वाट तो नेगेटिव होता है, क्वाट पाई माइनस थीटा तो माइनस क्वाट थीटा लिखना है, लेकिन कोसेक पाई माइनस थीटा को आपको केवल कोसेक थीटा लिखना है, वो पॉजिटिव होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपान डी, और अगर आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डी कोसेक थीटा। तो देखिए आर की भी वैल्यू आ गई डी कोसेक थीटा, यहाँ हमें आर स्क्वायर की वैल्यू रखना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास डी एल भी आ गया और आर भी आ गया, ये वैल्यू आप पहले यहाँ पुट कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा कि इसमें हमने किया क्या है, लंबे धारावाही चालक तार कण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, एक अवयव ले लिया था डी एल, और उसके कारण पी पर बायो सेवर्ट के नियम से तीव्रता का सूत्र लिखा, और फिर डी एल की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू वापस इसमें पुट भी कर दी। तो चलिए पुट कर लेते हैं, समीकरण एक में मान भर दीजिए, देखिए मैं मान भर रहा हूँ, तो जो वैल्यूज़ पहले तो वो देख लीजिए जो नहीं बदली है, देखिए म्यू जीरो अपान फोर पाई नहीं बदला है, देखिए म्यू जीरो अपान फोर पाई, आई नहीं बदला है, ये आई नहीं बदला है, साइन थीटा नहीं बदला है, साइन थीटा भी नहीं बदला है। अब डी एल के प्लेस पर क्या लिखा है, देखिए डी एल के प्लेस पर लिखना था डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया है, और R के प्लेस पर लिखना था d cosec थीटा, तो यहाँ R का स्क्वायर है चूंकि, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा d स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया d स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। फिर से देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, अब म्यू जीरो अपान फोर पाई आई, ठीक है म्यू जीरो अपान फोर पाई आई, डी एल के प्लेस पर ये लिखा d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये देखिए, और ये साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो ये हो गया d स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। आप आराम से देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए,
तो देखिए कैंसिल होने में, देखिए ये डी से डी कैंसिल हो गया है एक एक बार, तो नीचे एक बार डी बचा है, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया है, तो ये बचा है म्यू जीरो अपान फोर पाई इंटू आई इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप बहुत आराम से जो हमारा अब आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से आप इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि आपने इस रूप में ला दिया है कि अब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा db म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने एक बात समझी वो क्या थी कि अब सारे अवयवों के कारण अगर हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना ही है एक सर्टेन लिमिट में। तो पूरे चालक तार MN के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो इंटीग्रेशन में ए जो जो पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम B लिखेंगे, और वो इस DB का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट क्या रहेगी, थीटा वन से थीटा टू की लिमिट। ये थीटा वन यहाँ देखिए और ये थीटा टू यहाँ है। एक्चुअली ये जो थीटा वन और थीटा टू हैं ये थीटा के ही मान हैं, ये भी थीटा का मान है और ये भी थीटा का ही मान है। मतलब ये तार के निचले सिरे पर थीटा का मान है और ये तार के ऊपरी सिरे पर थीटा का मान है। तो इसकी लिमिट जो है निचले सिरे से ऊपरी सिरे पर पूरे तक जाएगी, तो ये थीटा वन से थीटा टू की लिमिट हो गई और ये डीबी हो गया। ये डीबी का मान ऐसा का ऐसा उठा के यहाँ से यहाँ रखना है। तो समीकरण चार से आप डीबी का मान रख दीजिए, तो डीबी का जब आप मान रख देंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आप थीटा वन से थीटा टू, डीबी के प्लेस पर पूरी पूरी वैल्यू उठा कर रखना है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। अब आप देखिए इंटीग्रेशन करना है और अंदर लिखा है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी साइन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिए म्यू जीरो अपॉन फोर पाई कांस्टेंट है, करंट एक बार भेज दिया है कांस्टेंट है, डी जो है ये दूरी एक बार तय हो चुकी है इस बिंदु पर तीव्रता निकालने की कांस्टेंट है। अब केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा। तो देखिए अब इंटीग्रे और यहाँ भी आप समझ सकते थे कि ये इंटीग्रेशन जो है थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा डी थीटा होना है, तो फिर बाकी वैल्यूज़ कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगी। तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी इंटीग्रेशन हुआ थीटा वन से थीटा टू की लिमिट में साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, केवल इसी को सॉल्व करना है। ये वैल्यू तो ऐसी कैसी रखना है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी, और इंटीग्रेशन आप साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट वापस आपने लिख दी है थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। अब आप लिमिट लगाएंगे, तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। देखिए कैसे हुआ, पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस की थीटा टू रहेगा, और माइनस करके जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये वैल्यू आई है आपकी इस पूरे चालक तार MN के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। अगर ये लंबा सीधा चालक तार है, बहुत लंबा सीधा चालक तार है, तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि थीटा वन और थीटा टू के जो मान हैं उन मानों को कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि थीटा वन को आप ले लीजिए 0 डिग्री, तो थीटा टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री की लिमिट पर आप जाएंगे तो हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी। ये देखिए कॉस 0 माइनस कॉस 180, थीटा वन के प्लेस पर 0 और थीटा टू के प्लेस पर 180 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन डी कॉस 0 1, और कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस 1, तो ये 1 और 1 2 बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी की म्यू जीरो अपॉन फोर पाई 1 और 1 2, तो 2 आई अपॉन डी टेस्ला। ये आपका लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा, और यहाँ इस P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से।